प्रदेश में प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की अपराध से अर्जित संपत्तियों की कुर्की के क्रम में शुक्रवार को नैनी थाना क्षेत्र में दो जमीन की कुर्की की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। माफिया अतीक अहमद ने इन जमीनों को अपने परिचित श्याम जी सरोज के नाम से खरीदा था, जो लगभग 1344 वर्ग मीटर है और इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। पुलिस ने जमीन को कुर्क करके इस पर सरकारी बोर्ड लगवाकर डुगडुगी पिटवा दी। अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसके अवैध और बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है। अब तक पुलिस ने अतीक की 1000 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रयागराज की कैंट पुलिस ने माफिया अतीक के एक और बेशकीमती जमीन को गैंगस्टर की धारा में कुर्क कर लिया। इस जमीन पर पुलिस ने कुर्की का बोर्ड लगवाकर माइक से कुर्की की जानकारी लोगों को दी। इस परिसर में कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतीक ने ये जमीन अपने करीबी श्याम जी सरोज के नाम से खरीदी थी। पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो इसकी गोपनीय जांच की गई। इसमें पता चला कि अतीक इस जमीन पर हाउस बनवाना चाहता था। अब पुलिस ने इस जमीन को कुर्क कर लिया है। एडिशनल DCP श्वेता पांडे का कहना है कि कैंट पुलिस की विवेचना में अतीक की अवैध संपत्तियों का पता चला था। इसे अतीक ने दूसरे के नाम पर खरीद रखा था। मृतक अतीक अहमद के संदर्भ में 14(1) के अंतर्गत एक कार्रवाई की गई है। इसमें एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत थाना कैंट में प्रचलित है, जिसमें हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना नैनी क्षेत्र के ये जो नव विकसित क्षेत्र है, यहाँ पर एक प्लॉट है, एक एरिया है जिसमें दो प्लॉट हैं और वो दोनों प्लॉट जो है अतीक अहमद के द्वारा अपने किसी एक परिचित के नाम से बेनामी तरीके से खरीदा गया है। इसमें हम लोगों के द्वारा राजस्व टीम से समन्वय स्थापित करके सारा डेटा इकट्ठा किया गया, तो ये पता चला कि ये अतीक अहमद द्वारा अपने एक परिचित के माध्यम से, जिसका नाम श्याम जी सरोज है, उससे बेनामी संपत्ति ली गई थी। उसी को 14(1) के अंतर्गत माननीय पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कुर्क किया गया है और टोटल इसमें दोनों प्लाट मिला के 1344 वर्ग मीटर के हैं और इनकी जो वर्तमान में सरकारी मालियत और जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 6 करोड़ की है। 3 थानों की फोर्स के साथ प्रशासनिक अफसर और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, मुनादी की गई, ढोल पीटा गया, माइक पर जमीन कुर्क करने का ऐलान किया गया और जमीन पर बाड़ लगाकर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक अहमद गैंग की अब तक 1000 करोड़ की अवैध संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली है।